अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज बन रहा है कढ़ी पकोड़ा, सबकी फेवरेट होती है, मेरी भी बहुत फेवरेट है, तो चले मिलके बनाते हैं। लग रही है ना देखने में कितनी डिलीशियस, तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ मेरे पास आधा किलो दही था जो मैंने रात में ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था ताकि थोड़ा सा वो खट्टा हो जाए। आधा किलो दही, अदरक लहसुन, बेसन और पानी के साथ हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से कर लें, लेकिन मैं इसमें जग में ही कर लूँगी तो सारे मसाले अच्छे से कंबाइन हो जाते हैं। अब मैंने अदरक लहसुन डाला एक चम्मच भर के। अब मैं यहाँ आधा किलो के हिसाब से तकरीबन हम ये 5 चम्मच भर के बेसन की लेंगे। आधा किलो दही के हिसाब से ये इनफ थी बेसन। और यहाँ हमें चाहिए 2 चम्मच भर के लाल पीसी मिर्च, 1 चम्मच भर के हल्दी, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, अजवाइन, ये भी मैं साथ डाल दूंगी। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही डलती क्योंकि येलो कलर हमें चाहिए होता है। अब मैंने यहाँ ग्राइंड करके और इसमें हम 1 जग भर के और पानी का ऐड कर देंगे क्योंकि तकरीबन ये 1.5 से 2 घंटे पकती है हल्की आग पर। मैंने 1.5 जग यहाँ पानी का डाल दिया था और इसे अब हम हल्की आग पे कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। इसे यहाँ पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया था। जब तक हम यहाँ पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं, अभी भी ये हल्की आग पर रहेगी। अब पकौड़ों के लिए मैंने यहाँ 1 बड़ा प्याज, धनिया, हरी मिर्चें कट कर ली थी और आलू लेने हैं जूलियन। मैं आलू भी डालती हूँ इसमें, बेसन अपने हिसाब से, और ये वाला प्याज हम तड़के के लिए यूज़ करेंगे। अब ये जूलियन कटे हुए आलू भी इसमें डाल दें और इसमें जाएगा नमक, कुटी मिर्चें, मीठा सोडा, सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन। ज़ीरा फ़िलहाल मैंने यहाँ नहीं लिया था, वो मैं तड़के में यूज़ करूँगी। यहाँ जस्ट मैंने अजवाइन ली थी और हम पानी के साथ इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। जितना मुझे बेसन चाहिए था पकौड़ों के लिए मैंने ले लिया था और इसका अच्छे से एक बैटर बना लेंगे। और बैटर को हमें कम से कम 5 मिनट तक रेस्ट देना है। यहाँ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दिया था। 5 मिनट रेस्ट देना है हमें बैटर को ताकि थोड़ा सा सोडे की वजह से बेसन अच्छे से फूलता है और पकोड़े सॉफ्ट बनते हैं। अच्छा, यहाँ मैं पकोड़े एक साथ तलने के बाद कढ़ी में डालूंगी, ये देखें, क्योंकि अगर हम साथ साथ डालते रहते हैं कढ़ी में तो कुछ पकोड़े नरम हो जाते हैं बहुत और कुछ बहुत वैसे रहते हैं। तो अब यहाँ हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। उसी ऑयल में से मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया था और ये हमने तड़का दे दिया है कढ़ी पे और हमारी चटपटी सी कढ़ी तैयार हो गई। अब इसे आप चपाती या चावल के साथ सर्व करें। पंजाबी कढ़ी पकौड़ा। थैंक यू।